पार्टी के नेताओं ने अपनी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा है। इस पर आलमगीर आलम ने कहा कि अभी तक की हमारी यात्रा अलग अलग राज्यों से गुजरी थी और यही वजह है कि कई पार्टी के लोग राहुल गांधी से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए। आलमगीर आलम से खास बातचीत की हमारी संवाददाता आरती राय ने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है आलमगीर आलम, ग्रामीण विकास मंत्री है झारखंड के। सबसे पहले बात करें सर, कांग्रेस में आज 3 ज्वाइनिंग हुई है, एक बिहार से, एक झारखंड से और एक कश्मीर से, सर क्या कहेंगे सर? देखिए, राहुल जी का जो यात्रा से प्रभावित होकर लोग जो है आज जुड़ रहे कांग्रेस से, आज हमारे झारखंड से जेपी पटेल कहते हैं हम लोग, जयप्रकाश भाई पटेल का नाम, वो प्रभावित होकर आज जो है बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में ज्यादा मन थामा है। ठीक उसी तरह बिहार, उसी तरह कश्मीर और दूसरे राज्य में हो रहा है। और हम जानते हैं, आप जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, ये अगर हम ग्रामीण क्षेत्र का अर्थव्यवस्था और किसानों के हालात का अगर परिवर्तन कर लेते हैं तो भारत का हालात का परिवर्तन होगा। ये सारी जो प्रोस्पेक्ट को देखते हुए लोगों ने धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के ओर आकर्षित हो रहे हैं और मुझे लगता है चुनाव अभी लंबा समय है, चुनाव के दरमियान बहुत सारे लोग जमा होंगे और 2019 के जो परिणाम हुआ था या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कोई 400 पार कोई 300 पार करते हैं, ये सारी बातों को गलत साबित करते हुए एक निर्णय जो है इंडिया गठबंधन के तहत मैंने नतीजा आई। झारखंड से बीजेपी में शामिल हुई सीता सोरेन, उन्होंने कहा कि वो पार्टी से नाराज थी क्योंकि सीएम पद उनको नहीं मिला, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, उनका तो अपना ये है, उन्होंने कहा कि एक परिवार में रहते हुए हम परिवार को हमको जो है सम्मान नहीं मिला, वो तो उनका व्यक्तिगत राय। लेकिन देखिये, हेमंत जी का नेतृत्व में सरकार बनी थी, हम लोगों ने बहुत बढ़िया से उस सरकार का कामकाज जनता ने पसंद किया है और काम भी बेहतर हुआ है। अब ऐसा परिस्थिति में उनको जेल में जाना पड़ा, तत्काल हमारे यहाँ जो है जो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नए सीएम हमें चुनना पड़ा, माननीय चंपई सोरेन जी को, अभी हुआ है। अब क्या नाराजगी है तो कहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो सम्मान अपने घर की बेटी, घर की बहू, घर की सब कोई, अपना पार्टी अपना घर में रहकर जो सम्मान मिलेगा, बाहर जाकर सम्मान नहीं मिलते, फिर उनकी अपनी बात है, उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जहां भी गए खुश रहे और मेरी आप ढेर सारी शुभकामना भी है, लेकिन घर ही होता है। कृषि और जो आदिवासी पिछड़ा समाज है वो काफी तबका है झारखंड में, क्या हाँ। कुछ कांग्रेस की तरफ से है वहां पर इलेक्शन? देखिये, अभी तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारी तरफ है, आज हम गाँव में घर में सड़क बनाए हैं, गांव में रोजगार देने के काम किए हैं, गांव में आवास देने के काम करे, इसलिए गांव के लोग तो बहुत खुश है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि न्याय यात्रा बिहार झारखंड से भी होकर गुजरी, क्या कुछ देखने को मिला क्योंकि 14 सीटें हैं लोकसभा की झारखंड की सर? निश्चित तौर पर परिवर्तन दिखाई देगा, जो 12 सीट उनके पास थी 2024 में 12 नहीं रहेगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, ये थे आलमगीर आलम जिन्होंने हमसे बात की। मैं आती राय।